हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे भी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों। तो यार, ये वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है MIUI 12 का अपडेट से रिलेटेड दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको फाइनली इंडिया में MIUI 12 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो रोल आउट होकर मिलना चालू हो गया है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 12.0.1.0 इसका वर्जन नंबर रखा गया है। 2 GB के आसपास जो इसका अपडेट का साइज़ रखा गया है दोस्तों। और फाइनली ये जो स्मार्टफोन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये कौन सा स्मार्टफोन के लिए आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी का जो नोट 8 है उसे जो है फाइनली काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद जो है इंडिया का स्टेबल अपडेट MIUI 12 के ऊपर बेस्ड वो रिलीज़ होना चालू हो गया है। अगर बात करें दोस्तों Redmi Note 8 Pro के बारे में, तो यार Redmi Note 8 Pro को जो है काफ़ी पहले ही अपडेट देखने को मिल गया रहा। बस जो Redmi Note 8 को 7 सीरीज़ को जो है नहीं मिला, लेकिन आज जो है फाइनली Redmi Note 8 को भी जो है अपडेट मिलना चालू हो गया है। आप यहाँ पे जो देख सकते हैं इसका ऑफिशियल स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है। इस अपडेट के साथ जो आपको अक्टूबर महीना का यानी कि अक्टूबर 2020 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको जो MIUI 12 का फीचर है जैसे कि डार्क मोड 3.0 और साथ ही साथ जो नया इंटरफेस हो गया, नया UI हो गया, वो सब तो आपको ऑलरेडी मिलता है दोस्तों। तो ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ है Redmi Note 8 यूजर्स के लिए। अगर बात करें दूसरे डिवाइसेस के बारे में, तो यार अभी तक जो है MIUI 12 का अगर बात करेंगे तो और कोई डिवाइसेस में अभी तक लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिला है। Redmi का जो नोट 7 है या फिर 7S है, ये दोनों ही फोन्स को जो अभी भी अपडेट नहीं मिला है। 7 Pro को तो हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि 7 Pro को जो है मिल चुका है। तो यार ये तो जानने वाला ही बात है कि यार 7S को जो कब तक देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए यार 7S के लिए कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है इंडिया में। हालांकि काफी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया आप सभी को कि Redmi का जो नोट 7 है, 7S है, ये दोनों ही फोन्स के लिए अपडेट रेडी हो चुका है। और वो लोग ने बोला है कि 6 से लेकर 12 डेज के अंदर अंदर अपडेट जो है रिलीज कर दिया जाएगा दोस्तों। तो थोड़े ही दिन में जो है बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अगर आप Redmi का नोट 7 या फिर 7S यूज कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़े ही दिन में अपडेट्स मिलना चालू हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में जैसे कि Redmi का जो Y सीरीज हो गया, Redmi का Y2, Y3, उसके बाद जाकर Redmi का 7 7 ए, 8 8 ए, तो यार रिसेंटली जो है 8 और 8 ए को जो है MIUI 11 का अपडेट मिला है। तो MIUI 12 का अपडेट आते आते तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये सेम केस जो है Redmi का 7 और 7 ए के साथ ही होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले जो है Redmi का नोट सीरीज़ को अपडेट दिया जाएगा, उसी के बाद ही जो है Redmi का 7 और 7 ए को जो है अपडेट मिलेगा दोस्तों। तो फिलहाल यार आपको थोड़ा सा दिन ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन यार जितना नया इन्फॉर्मेशन आता है सारा जो है आपको मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो इस चैनल का पार्ट नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन का जब आइकॉन, इसे क्लिक करके नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर दीजिएगा, आपको जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स आता है सारा जो है वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल यार इस वीडियो के लिए यही तक ही था। होपफुल यार जल्दी अपडेट रिलीज़ कर दे Xiaomi और फटाफट से जो है बाकी सारे यूजर्स को भी जो है गुड न्यूज़ का वीडियो मिल जाए। लेकिन अभी के लिए यार यही अपडेट था, यही न्यूज़ था। होपफुली यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।